नमस्कार फ्रेंड्स, यह है कोर्ग पीए 900 कीबोर्ड और आज हम कोर्ग पीए सीरीज़ के ओवरऑल सभी कीबोर्ड की बात करते हैं जिसमें वेव सैंपल्स या फिर सैंपल इंपोर्ट करने का फीचर जिसमें वर्क करता है उन सभी कीबोर्ड के बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे इसके पहले हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें फ्रेंड्स आपने देखा हमने वेव लूप्स को इंपोर्ट करके कैसे स्टाइल बनाया है, या फिर हमने वेव सैंपल्स को इंपोर्ट करके मल्टी सैम्पलिंग करके कैसे साउंड बनाया है। आज हम यहाँ से बात करेंगे वेव सैंपल्स को या वेव लूप्स को इंपोर्ट करके पैड्स हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो प्रोसीजर हमने लूप्स के लिए किया था वही प्रोसीजर अब हम यहाँ से ये सेम करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कोर्ग पीए सीरीज के कीबोर्ड में अगर आप कोई भी सैंपल या फिर लूप्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले साउंड प्रेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आप साउंड प्रेस करेंगे। साउंड प्रेस करने के बाद आपको पता है कि रिकॉर्ड ऑप्शन जब हम प्रेस करते हैं तो रिकॉर्ड ऑन करने के बाद आपके सामने ये एक स्क्रीन मेनू चालू होगा और उस स्क्रीन मेनू में यहाँ से आपको पता है कि हम सैंपल्स या फिर लूप्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए अपने जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले में राइट हैंड साइड पर ऊपर एक मेनू है, वहाँ से हम उस मेनू को ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहाँ हमें लोड सैंपल्स ये एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपके जो कीबोर्ड में आपका डिस्क ऑप्शन है, वहाँ से आप यूएसबी या फिर जहाँ भी आपके सैंपल्स हो या लूप हो आप उसको वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास पीए 1000 के कुछ लूप्स है जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनमें से के बॉली धमाल उस लूप को अभी मैं जैसे यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसका वेरिएशन 1 अभी यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और इसको फिर हम लोड करेंगे। तो ये अपने सामने ओपन हुआ लूप है और इस लूप को यहाँ से हम पहले लूप ऑन कर देंगे और लूप ऑन करने के बाद उसको टाइम स्लाइस करेंगे। और फ्रेंड्स, टाइम स्लाइस करने के बाद जब ये स्लाइस बटन प्रेस करेंगे BPM बीट पर मिनट 95 दिखाएगा, फिर आप उसको राइट करिए। अब राइट करने के लिए एक यूज़र 4 में, जैसे मैं यहाँ पर पेज 1 में फर्स्ट नंबर पर इसको मैं राइट कर रहा हूँ और वहाँ जब तक अपना ये जो हमने लूप है या फिर जो भी सैंपल हमने इंपोर्ट किया होगा वो जब तक यहाँ राइट होता है तब तक हमने उसको वेट करना है। और अब जैसे अपना ये उस डेस्टिनेशन पर राइट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के लिए आप रिकॉर्ड बटन को प्रेस करके भी वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर इसके बाद में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे और उस रिकॉर्डेड जो लूप है उस लूप को अभी हम पैड में असाइन करेंगे। वो पैड में असाइन करने के लिए फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि आपके कीबोर्ड में डिस्प्ले के बाजू में वहाँ पर स्टाइल ऑप्शन है, वहाँ से फिर आप इसको रिकॉर्ड करके आप नया पैड बनाएंगे। अब इसके लिए फ्रेंड्स नीचे जो रिकॉर्ड का बटन है उस बटन को हम प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर हम रिकॉर्ड न्यू पैड ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो मेनू है, ये मेनू का बटन, उसको हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने इम्पोर्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर से आपने सिलेक्ट करना है इम्पोर्ट ग्रू। तो जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था बॉली धमाल V1, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमारे सामने मैसेज आया ओके। अब हम इसको प्ले करके चेक करेंगे। अच्छा, अभी हम यहां से पहले इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे और फिर चेक करेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है और अब हम यहां से मेनू प्रेस करेंगे। मेनू प्रेस करने के बाद यहाँ पर एडिट इवेंट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ से लूप इंपोर्ट किया था। पैड एडिट की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से पैड कंट्रोल ऑन करेंगे क्योंकि हमारा ये जो लूप की तरह बजेगा ये वन शॉट नहीं बजेगा, इसके लिए हम इसको यहाँ से लूप कर देंगे और यहाँ से और किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। बाद में फिर मेनू, फिर यहाँ पर पैड कॉर्ड की ज़रूरत नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी पैड को राइट कर देंगे। अब जैसे राइट पैड करेंगे, आप कोई अच्छा डेस्टिनेशन ले लीजिए। लाइक अभी यूज़र 1 में मैं सेकेंड नंबर पर इसको राइट कर रहा हूँ। अब इसका नाम हम दे देंगे, चाहे हमने उसको दे दिया ABC। अब ये हमारा लूप ऑलमोस्ट यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका है या फिर हमने उसको सेट कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोई भी एक अच्छा सा एक स्टाइल या फिर पैटर्न ले लेंगे। अब यहाँ पर जब आप नीचे प्रेस करेंगे तो पैड ऑप्शन, पैड ऑप्शन में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूज़र सेक्शन में। अभी हमने जो यहाँ से ABC लिया था, अब हम क्या करेंगे, ये पैड को अगर एडिट करना है, मेनू प्रेस करेंगे, मेनू प्रेस में पैड। अब यहाँ से आपका वॉल्यूम है उसको आप चाहे तो बढ़ाना उतना बढ़ा दीजिए। ये अभी आपका वॉल्यूम जो मैंने अभी पैड प्रेस किया है, पैड में से अभी हम लोग इसको सुन रहे हैं। अब इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको स्टाइल के साथ प्ले करेंगे, क्योंकि अभी ये अपना स्टाइल 125 टेम्पो में चल रहा है। और सेम एज यहाँ से हम इसी स्टाइल के साथ ये पूरा जो अपना लूप हमने जो पैड में असाइन किया है उसी को भी हम यहाँ से अभी प्ले करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने यहाँ से कैसे ये लूप और लूप के साथ में ये पैड्स को असाइन किया और उसी को भी हमने स्टाइल के साथ में बैकग्राउंड स्कोरिंग के साथ उसको बजाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अभी जो आपसे बात करते करते एक मेरा चीज़ ध्यान से निकल गया था, उसमें अपना जो लूप हमने पैड जो सेट किया था उसको अभी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड एडिट पैड जो अभी हमने पैड बना दिया था उसको अभी हम एडिट करेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज़ मिस हो गया था, उसमें यूज़र में ABC। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स पैड सिंक है उसको हमने ऑफ रखा हुआ है, उसका रिजल्ट क्या रहा है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लाइक अभी हम ये स्टाइल के साथ में अभी जब हम अपना यहाँ से लूप प्ले करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको जब भी आप उसको प्ले करेंगे वहां से चालू हो जाएगा, वो आपके प्लेइंग को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अभी आप देख रहे हैं ये डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ये आपने जब भी प्रेस किया ये चालू हो गया। अब ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, जो अपना स्टाइल और पैड का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो पैड है उसको एडिट करना है और एडिट करके यहाँ से ये जो पैड सिंक है उसको ऑन कर देना है, कंटिन्यू कर देना। तो इसके कारण फिर क्या होगा फ्रेंड्स अपना, कि ये आप जब भी प्ले करेंगे तो वो एकदम सिक्वेंस में उसके साथ परफेक्ट बजेगा। अभी मैं आपको यहाँ से यही चीज़ को ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी पैड वॉल्यूम ओके। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, आप चाहे भी उसको कहीं से कैसे भी बजाएंगे ये ऐसे ही सेट हो जाएगा। आप कैसे भी बजाइए ये अपने आप उस सीक्वेंस में सेट हो जाएगा और परफेक्ट टाइमिंग पे आपके साथ चलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि शायद ये अभी हमने यहां से जो लूप इंपोर्ट करके यहां पर रखने के लिए जो सेटिंग मैंने आपको दिखाया है वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। सेम एज अगर आप कोई एक सिंगल इंडिविजुअल सैंपल इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपका इसी तरह से प्ले होगा। वहां पर आपने उसको जो हमने अभी सेटिंग में जो मैंने आपको दिखाया था कि जब हम उसको एडिट करते हैं और एडिट करते टाइम यहां से हमने हाँ इसको जो लूप किया था उसको अगर सिंगल शॉट कर देंगे तो आपका जो भी साउंड होगा वो सिंगल शॉट की तरह बजेगा। चाहे आपने कोई भी एक पीस हो गया कोई, चाहे कोई वोकल है या फिर कोई अनाउंसमेंट या कुछ भी XYZ है, तो आप इसको लूप नहीं करेंगे तो ये सिंगल साउंड की तरह प्ले करेगा। तो बस फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि शायद ये जो वीडियो अभी हम यहाँ से बना रहे हैं वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।